ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब अपने अपने ट्राइपॉड्स पर है, इट्स नाइस। स्टार परिवार ऑन है, क्या उम्मीदें जैसे हर साल की होती है, 15 साल हो गए मुझे स्टार के साथ जुड़ के, तो हर साल जैसे सबको उम्मीदें हमसे ज्यादा होती है, हमें भी उनसे ज्यादा होती है। मुझे किस बात का अवार्ड मिलेगा? नहीं, आई एम हियर टू प्रेजेंट एन अवार्ड। बहुत सालों पहले एक मौका मिला था, लेकिन मेरे शो की वजह से मैंने नहीं किया था, तो या व्हाई नॉट, अगर आगे भी मिलेगा तो एवरी प्री शुड डू इट। लाइक प्रियंका चोपड़ा कर रहे हैं, टीना देसाई कर रहे हैं, अनुपम खेर कर रहे हैं, अनिल कपूर जी अपनी वॉइस दे रहे हैं, दोज आर डिफरेंट लीग्स। Any good opportunity, I don't think so, as an artist, one should refuse. Any particular genre which you would like to have CEO, sir? Not really. Whatever the producers or the directors see, where I'm fit enough. Yeah. जी हाँ, अच्छी नहीं है? जी हाँ, it's gown by Raja Tangri and काफी सारे ड्रेसेस मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनकी स्टाइलिंग। जी एक्चुअली ओपनिंग एक्ट है, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को लेने यहाँ आया था, और आई हैव टू जस्ट गो गेट रेडी फॉर माय फर्स्ट एक्ट, एंड आई हैव बीन डूइंग पैरोडीज आल्सो इन द शो व्हिच आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टार परिवार, बहुत पहली बार हो रहा है, सो आई होप पीपल विल लाइक इट। 15 सालों का जश्न मनाया जा रहा है, माशाल्लाह आपके परिवार को मतामी नहीं, बहुत सारे प्यार मिले हैं, क्या उम्मीदें हैं, कौन कौन सा और आप विश करते हैं? सी मेरे लिए आई थिंक लोग TRP एक्चुअली हमने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, वी वर 7 एंड नाउ वी आर 7.3, सो थैंक यू सो मच सबको मतलब इतना प्यार देने के लिए। आई थिंक सबसे पहला अवार्ड जो आई एम श्योर मिलने वाला है इज गोपी, बिकॉज गोपी इज बीन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग, आई थिंक पर्सनली एज हर देवर, एज अ को एक्टर एंड एज अ फैन, आई एम सेइंग दैट शी इज बीन डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब दैट शी डिजर्व्स इट, एंड आई थिंक every award should come to Sathya, because obviously we proved that we are still doing well, we are still going strong after 5 years also, so yes. Vishal, aap bahut busy rehte hain, aap thoda fitness wagar pe dhyan de pate hain apne? Yaar actually thoda kam ho jata hai. Nahi, koi baat nahi, kam nahi, humne aapne yahan pe kuch wazan rakhe hain, aap ek baar haath mein leke dikhaiye kitna aapke mein haathon mein dam hai. Hot bag. बहुत हल्का है, इतना थोड़ा बहुत तो जिम जाता हूँ, तो इतना वेट तो नहीं, इससे ज़्यादा उठा सकता हूँ। बहुत उठा देंगे आप। एक्चुअली ये जो ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मेरी मॉम ने स्पेशली इस इवेंट के लिए डिज़ाइन किया है, सो आई एम ब्लेस्ड कि यू नो उन्होंने इतने एफर्ट्स लिए और इतना एक प्रिटी सा ड्रेस डिज़ाइन किया, सो यस दिस इज़ वेरी स्पेशल ड्रेस फॉर मी। Yes, there's a small act I'm doing with Natik. So, छोटा सा performance है, not a dance performance or anything like that, but kind of a comedy thing. Yes, I will be doing. आज इतने busy schedule में आप fitness के लिए जा पाती हैं? Fitness के लिए? मैं जिम नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती. I do yoga at home. So yes, yoga is for me and lots of photo. That's it. Thank you so much. Tell us something about your dress, particularly for Star Parivar Award. हमारी जो ओपनिंग एक्ट है शो का, उसका थीम है पिंक एंड पर्पल, तो हमें स्टाइल किया गया वैसे। इस बार स्टार परिवार बहुत ही अलग है, 15 साल हो गए हैं, तो जो सोच है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो काफ़ी अलग है, तो उसी की कॉस्ट्यूम में मैं रही हूँ। इस बार बहुएँ, बेटियाँ, माएँ और दादी, कौन भारी पड़ेगा इस बार इस शो में? औरतें हमेशा भारी पड़ती हैं, चाहे जिस रूप में हो। इन दिनों फिटनेस पे आपका ध्यान है, मतलब आप जा पाती हैं? क्यों, मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके विचार। फिटनेस आई थिंक मेरे लिए उतना ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है, तो मैं जूह बीच के पास रहती हूँ, तो अगर आप कभी जूह बीच आएंगे तो मुझे दौड़ते हुए देखेंगे। मीका, एक्चुअली हमें क्या लगा कि शायद आप बिजी रहती हो, आप फिटनेस नहीं कर पाते, हम लोग ये फिटनेस के इंस्ट्रूमेंट कहाँ ले आए आपके लिए, अगर आप बता सकते हैं कि कितना दम है आपने जरा? हाँ, चलो प्लीज प्लीज प्लीज, आप बड़े एक ही को पहले एक ही खा रहे हैं।
क्या करना है? मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए। क्या करना है? साइड पे, थोड़ा साइड में आइए। हाँ, 1 2 3 4। अरे वाह, ये तो बहुत हल्का है। टेनिस कोर्ट बस और नहीं का ऊपर भी जाता है क्या? My triceps always my weak point. Yeah. Okay, thank you. Have a pleasant evening. Bye, Vijay ji. बहुत स्पेशल इवनिंग है बिकॉज स्टार परिवार अवार्ड्स का पहले ही एक अचीवमेंट है, 15 साल पूरे हो रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल इन ओन वे दैट एक माइलस्टोन उन लोगों ने अचीव किया है एंड ये मेरा फर्स्ट स्टार परिवार है। सो उनका एक फर्स्ट माइलस्टोन में मेरा फर्स्ट अवार्ड होना, मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन होना, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। और बहुत मस्ती करेंगे हम आज, परफॉर्मेंसेज हैं, मैं चोड़ा चंक होस्ट भी कर रहा हूँ, एंकर कर रहा हूँ। मैं और पंची एक हेलोवीन एक्ट कर रहे हैं वन बॉल डाउन पे, जो हनी सिंह का ट्रैक है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज़ कि वो बहुत नया ट्रैक है, बहुत फ्रेश है, तो कहीं भी कोरियोग्राफी किसी ने उसकी नहीं देखी है या किसी एक्टर ने किसी ने उस पर परफॉर्म नहीं किया है। नहीं तो ये होता है कि हाँ किसी बॉलीवुड का कोई सॉन्ग होता है तो हमें पता होता है कि उस स्टार ने ऐसा ऐसा किया था, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, एक्सक्लूसिव है कि एक अच्छा ट्रैक, एक हिप हॉप नंबर हमें मिला है और जो यूज़ नहीं हुआ है पहले, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स अ वेरी स्पेशल एक्ट बिकॉज हम काफ़ी ग्राफिक्स और कोमा उसमें यूज़ कर रहे हैं, सो इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट फील। ये सबरीना है, उन्होंने स्टाइलिंग दी, शी इज़ अ स्टार प्लस का ही स्टाइलिस्ट एंड डिज़ाइनर है। सो यही मैं अपने एंकरिंग के लिए पहनने वाला हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं आप की शाम के बारे में, 15 साल आपकी शो भी, आपका दूसरा साल है। हाँ जी, बहुत खुशी है। सबसे पहले तो स्टार और स्टार से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, बहुत खुशी है। मेरा शो में दूसरा साल है, मैं नॉमिनेटेड हूँ फेवरेट डिजिटल सदस्य अवार्ड के लिए, अपनी बीजी के साथ परफॉर्म भी कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं थक भी काफ़ी गई हूँ, सुबह से दौड़ भाग कर रही हूँ। क्या है एक्ट आपका? वर्ल्ड टूर एक्ट, मैं अपनी बीजी को ब्राज़ील लेकर गई हूँ। सो मुझे लगता है कि बच्चे ये रिश्ते वही हैं माँ बेटी का, सोच बदल गई है। बड़े अपने बच्चों को घुमाने ले जाते थे, आज बच्चे लेकर जा रहे हैं। ना हमने देखा काफ़ी लोग आज रेड पहने हुए, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, रेड का क्या थीम है आज? स्टार का लोगो रेड है, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार अपने आप को इंडिकेट करता है कि रेड पहन कर आओ। आपकी ड्रेस किसने डिज़ाइन किया? मेरी ड्रेस सौरभ जैन ने डिज़ाइन की, जो कि एक अपकमिंग डिज़ाइनर है, और मुझे गाउन पहनना बहुत अच्छा लगता है एंड रेड कार्पेट पर मेरे बाल हमेशा ही खुले होते हैं, सो कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडमार्क बन गया। ये रियल बाल है आपके? जी हाँ, ये मेरे रियल है। तो आप कोई मतलब शैम्पू या किसी इसका ऐड करना शुरू कर दीजिए अपने से? नहीं नहीं नहीं, आप मिलना चाहिए आपको, लाइक यू आर 18 नाउ। थैंक यू, थैंक यू। फिटनेस के लिए आप ध्यान रख पाती हो, बिजी रहती हो अपने दिनों? काफ़ी बिजी रहते हैं, शूट वगैरह में टाइम नहीं मिल पाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सनसेट के बाद फूड ना। हमने दिन में हमें सोचा आप फिटनेस के लिए टाइम नहीं दे पाती है, इसलिए हमने सोचा आप इंस्ट्रूमेंट यहीं पर ले आए हमारे मनीष जी, इनको भी इंस्ट्रूमेंट दी जाए। हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे कि आपकी भाई फोटो क्यों दीजिएगा, अभी फिटनेस के लिए आपके लिए हम थोड़े साइड में आ जाइए आप। इतना भी ज्यादा हल्का नहीं। थैंक यू सो मच, ठीक बता दीजिए आपने क्या करना है। मुझे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है, मैंने बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी है, ये मुझे ज्वेलरी वैसे भी बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है जैसा होने का मैं ज्वेलरी जरूर पहनती। मैंने इंडियन स्मोकिंग पहनी हुई है और लॉन्ग गोल्ड ड्रेस। ड्रेस के बारे में बताइए आप लोग, कितना अलग और कम्फर्टेबल महसूस करते हैं? बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने तो सेम कपड़े पहने हैं, जैसे मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, यहाँ भी पैंट शर्ट पहनी है, बस फर्क इतना कि मैंने एक ऊपर जैकेट पहनी है और मेरा चश्मा नहीं है, पैंट शर्ट बाकी तो पैसा ही नहीं है। हाँ, आप लोग तमाशा अंदर है, नमाज अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है उनका? बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है उनका वैवाहिक जीवन, और वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मतलब एक आज्ञाकारी दामाद बन पाए हैं वो, जैसा आपने सोचा था उनके लिए? पिछले पौने दो साल से मेरे आज्ञाकारी दामाद थे, अगले 200 साल तक ऐसे ही रहेंगे। अभी ज्यादा हो गए, खुशी
खुश है? बहुत खुश, बहुत खुश है मेरी बेटी, बहुत खुश है। आप लोग आज के एक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? हम लोग ओपनिंग एक्ट कर रहे हैं, कुछ हम 5-6 लोग, जिसमें 15वां साल जो है स्टार परिवार का वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। आप बताइए हमें अपने एक्ट के बारे में कुछ। हाँ जी, बहुत प्यार मिला दर्शकों का आपको। क्या विश करना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट परिवार। ये मोहब्बत में जितनी भी नॉमिनेशन हुई है, वो उम्मीद है सारे अवार्ड हमारे पास ही आने वाले हैं। उम्मीद नहीं, पक्का है सर ही आएंगे। हाँ, डबल डबल अवार्ड आने वाले हैं। बहुत कम बोल रही हैं आप, क्या बात है? ये शर्मीली है, वो लिखा हुआ ज्यादा बोलती है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ अब बार बार। आप पूछिए जो पूछना है। अच्छा, मुझे बताइए, बेटियाँ भारी होंगी, बहुएं भारी होंगी, सास भारी होंगी, सब सब पे भारी है, सब भारी है। ये 15वां साल है, दोनों परिवार खाए पिए तो आ रहे हैं, यही हमारी लड़कियों को लड़की लड़के से कम नहीं है। ये देखो, वी स्टार्ट फ्रॉम ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3 गो, 1 2 3 4 5, 75, 76, 78, 1000, 1099, 1000. है और हम लोग सब कलरफुल है। जब आएगी, जब हम स्टेज के पीछे खड़े होंगे, हमारे टर्न आने वाले होंगे, तब नर्वसनेस। अभी तो हम लोग बस एक्साइटेड हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि हम भंगड़ा करने वाले हैं। मिश्रण है एक तरह का, नर्वसनेस भी है, हैप्पीनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, बहुत सारी चीजें। आप लोग वो कर पाते हैं, मतलब आजकल इतने बिजी हो गए आप, तो लाइक फिटनेस वगैरह पे ध्यान दे पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस सर एकदम है, हमारे तैयार है। सर आपके लिए क्या कर सकते हो? अभी इसकी बॉडी और नॉलेज जैसी बन जाए। This is the true girl, I think, the women power. Exactly, I don't gain weight, touch wood, so I just eat. Okay, now, have a pleasant evening, kuch acha khao, jaake acha perform karo, bahut bahut shubhkamnaen aapko. Thank you so much. Wo charm abhi bhi aapka barkarar hai, jisliye log aapko jante hain. तो अच्छी बात है। जी, ये तो कंप्लेन करने की नहीं, कॉम्प्लीमेंट की बात है। थैंक यू। 15 साल हो गए हैं और 15 सालों का जश्न मनाया जा रहा है, आप ही बहुत हिस्सा रही हैं सर, क्या कहना चाहेंगी आज 15 सालों के जश्न में? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन स्टार को, स्टार परिवार को, फॉर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, क्योंकि इस रेड कार्पेट पर और इस इवेंट पर इतनी बार आए हैं और इतना लंबे समय तक उसका हिस्सा रहे हैं,
कि नॉस्टैल्जिया हो रहा है और पुरानी यादें याद आ रही हैं, फ्लैश बैक चल रहे हैं. सो इट्स अ नाइस फीलिंग टू बी बैक. थोड़ी सी ड्रेस के बारे में बताइए, बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल. थैंक यू. स्टार परिवार है. स्टार इज ऑल अबाउट रिलेशंस, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन. सो ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग इंडियन एंड दैट्स व्हाई आई ड्रेस्ड इन नाथली. और भी लोग आए, जैसे उर्वशी भी आई है, काफी लोग हैं. आज काफी समय बाद मिलना होगा आप लोगों के. हाँ, स्टार परिवार के पुराने जो रिटायर हुए मेंबर्स हैं वो सब दोबारा मिलेंगे आज. जी, आपने लिखवाया, बताइए. ये मेरी बेटी का नाम समायरा. आज उसे नहीं लाए हम लोग, मतलब कई बार प्रत्यक्ष रूप में उसको देखना चाहते हैं. यहाँ अगर उसे लाती तो फिर मैं एक जगह बैठी भी नहीं मिलती स्टेज पे. शायद किसी परफॉर्मेंस में आपको अचानक समायरा और मैं नजर आती, क्योंकि मैं उसके पीछे भाग रही होती, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है, इसे लाना मुश्किल था. सचिन आया? नहीं, सचिन नहीं है. वो इसे नहीं आया कि उन्होंने कहा कि ये आपका मायका है, आपका परिवार है, आप जाइए एंजॉय कीजिए. वापस से कब लौटना होगा? इंतजार कर रहे हैं लोग टीवी के सामने. होपफुली बहुत जल्दी. मेरी बेटी बड़ी हो गई है इतनी कि अब मैं काम पे जाने की सोच सकती हूँ. सो होपफुली बहुत जल्दी आप मुझे टीवी पे देखेंगे. चलिए, बहुत सारे नए परिवार जुड़े हैं, आप देखती हैं, आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए, बेस्ट पति या बेस्ट पत्नी? ये बहुत टफ सवाल है. जब हम खुद भी नॉमिनेट होते थे ना, हमेशा लास्ट मिनट लगता था कि हमें मिलेगा कि किसको मिलेगा. तो ये बहुत टफ है. आई थिंक हर कोई अपने आप में इतना अच्छा है, इतने पॉपुलर शोज़ हैं कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा किसे वोट करेगी ये उसी वक्त पता चलता है. बहुत टफ सवाल है. इतना तो मेरी बेटी मुझे टी वी देखने नहीं देती कि मैं फेवरेट शो बताऊँ, बट स्टार में बहुत सारे शोज हैं. या ये है मोहब्बतें इज नाइस, दिया और बाती इज नाइस, बहुत सारे शोज हैं. ये रिश्ता क्या कहलाता है इतने सालों से चल रहा है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सो या मेरा मेरी शो मुझे वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन कम बैक करना चाहेंगी, तो आपने जैसा कहा आपका मायका है, स्टार प्लस के साथ ही आएंगी या फिर और कोई चैनल के साथ? वो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर स्टार के साथ भी होता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. इस साल मैं स्टार परिवार में, जैसा मैंने कहा, एक्स मेंबर की तरह आई हूँ. अगले साल अगर प्रेजेंट मेंबर की तरह आऊँगी तो इट विल बी ऑल द मोर बेटर. थैंक यू. मैं नए परिवार को, स्टार के नए परिवार को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि अभी जो नया परिवार है वो बहुत ही यंग जनरेशन टाइप है. तो बस उन क्वालिटीज़ अलग है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है. सो आई वुड जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. हाँ जी, सॉरी. नो, थैंक यू. विडम्बना में देखिए आप लोगों की जोड़ी बनी कैसे? विडम्बना में मैं भी एक्चुअली इसी विडम्बना में हूँ कि कैसे हम आज ही मिले हैं. हमें एक बहुत ही अच्छा काम सौंपा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण काम है कि रेड कार्पेट. मगर हमें सारे जो स्टार परिवार के सदस्य हैं उनसे काफ़ी सारी बातें पूछनी है, उनसे काफ़ी सारे मैसेज दर्शकों तक पहुंचाने. बेसिकली स्टार परिवार का प्यार दर्शकों तक पहुंचाना है. 15 साल के उपलक्ष्य में ये काम करना मेरे ख्याल एक बड़ी बात है. जी एलाबोरेट. बिल्कुल, 15 साल पूरे हुए हैं आज स्टार परिवार को, और जितने भी लोग थे शुरू से अब तक उनसे मिलने का मौका मिल रहा है. मेरा ये पहला साल है और ये स्टार परिवार के हिस्से रह चुके हैं. हाँ. परिवार का हिस्सा रह चुके हैं, और तो बड़े खुशी होती है कि एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आके मिलते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है. सो हम लोग बहुत खुश हैं कि ये काम हमें सौंपा गया. क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब आसान के सवाल पूछ रहे हैं. सबसे टफ कौन था, सबसे मुश्किल टेंट्रम्स किसने दिखाए? नहीं, टेंट्रम्स नहीं थे एक्चुअली. ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बट स्टार परिवार एक्चुअली एक परिवार की तरह है. क्यों? क्योंकि हम हर साल मिलते हैं, हर कोई हर किसी को जानता है, तो वो कंफर्ट लेवल आ चुका है, इसलिए टफ टाइम किसी ने नहीं लिया. आपके लिए कैसा रहा ये अनुभव? मतलब पहला साल क्या था, मतलब कोई एक्ट्रेस जो थी जो काफी साल से 6-7 साल से हो और अब आपसे बात करने में थोड़ा जी? जी नहीं, मैं जितने भी लोगों से मिली, जिनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ. और पहला साल है इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है रेड कार्पेट होस्ट करने की विद अ वेरी फैबुलस शहीद. तो सबसे ज़्यादा बस खुशी है. सबसे नया सदस्य आप जुड़ रही हैं, आपको अवार्ड की आशा है?
जी बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन ही नहीं है। ये सवाल आपने बहुत गलत पूछ लिया, मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा चाहिए था ये सवाल। तो ये जब स्टार परिवार का जो ईयर है उस ईयर में हम लोगों की कैटेगरी नहीं है क्योंकि हमारा शो लेट स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए होप कर सकती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इनको जरूर अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मैं इनके टैलेंट में बिलीव करता हूँ। आई सीन हर लास्ट शो और मुझे पता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मर है, तो डिजर्व करती है। थैंक यू। ये सारी तैयारी मेरे डिज़ाइनर की है केन, जिन्होंने ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है। तो बहुत ही प्रिटी कॉस्ट्यूम है, पहनते ही मुझे बहुत खुशी हो गई और ऊपर से मेरे हेयर और मेकअप ने बहुत ज़्यादा काम किया मुझ पर। और ओके ओके ओके, नहीं हिंदी थोड़ी ख़राब है अब मुझे पता चला। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी पूरी तैयारी करके आया हूँ, पुशअप मारे मैंने और जो कपड़े दिए वो पहन लिए यार, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपने सीरियसली ले लिया? तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा, देख लो अभी भी। ये क्या है, ये तो आप तैयार है भाई? मैं जिम नहीं जाती। तो कितने किलो का है, कितने किलो का है ये, क्या हो रहा है? गुड इवनिंग, हाँ एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। हाँ क्या, कैसी कसम है और कुछ? और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज 3 साल बाद स्टार परिवार में आई हूँ और मुझे खास वजह से बुलाया गया है, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं उस मोमेंट का हिस्सा होंगी जो आज अंदर होने वाला है। और मुझे लगता है मैं अपने घर पे ही आ रही हूँ, बिकॉज स्टार इज़ लाइक होम टू मी एंड कमिंग टू स्टार प्लस इज़ लाइक दिस माई होम ग्राउंड। वो आपको बाद में पता चलेगा। हाँ आई एम वेयरिंग ये ड्रेस डिज़ाइन की है बबीता मलकानी ने, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। ये एक गाउन टाइप ही है, अनारकली नहीं गाउन है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा उनका आउटफिट और ये उनकी वजह से ही है। अगर मैं आज अच्छी लग रही हूँ तो उनकी वजह से अच्छी लग रही हूँ जी। अभी एक शूट करके आई हूँ जिसका नाम है गुड़गांव, विच इज़ प्रोड्यूस बाय जार एंड मुकेश छाबड़ा एंड इट्स डायरेक्टेड बाय मिस्टर शंकर रमन। और एक और है धूमकेतु विच इज़ प्रोड्यूस बाय फैंटम एंड देयर इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देयर इज़ अनुराग कश्यप, आई एम प्लेइंग अ पार्ट एंड या। नहीं अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, काश मैं खुद उत्सुक हूँ। हाँ मैं इंटेंस एक्टर बन रही हूँ, मैं आपने बोल दिया अभी स्टाइल पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं इंटेंस एक्टर बन के दिखाऊंगी आपको। हाँ इंटेंस एक्टर मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हूँ पता है, क्योंकि मैं स्टार परिवार में सबको बहुत सालों के बाद मिलने वाली हूँ, तो मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ और मैं बहुत एंग्शियस हूँ। मैं एक्चुअली मेरे हाथ भी ठंडे हैं इसलिए शायद मैं हंस नहीं रही। आपको लगता है कोई ले पाया? थैंक यू। स्टार प्लस पे आई लव सत्यमेव जयते, मुझे सत्यमेव जयते बहुत पसंद है। और कौन से शो है बताओ? और वही ये रिश्ता तो मेरे टाइम से, मतलब ये रिश्ता तो सबसे सीनियर सिटीजन है स्टार परिवार के। हीना इज द बिगेस्ट फेस ऑफ स्टार प्लस इजंट शी, शी इज बीन, उसका शो कितने सालों से चल रहा है। सो या टीवी पर मुझे एक शो पसंद आया है, आई होप मैं वो साइन करूं और आई होप मैं उसे वक्त दे पाऊं। डेली सोप तो फिलहाल अभी मैं नहीं कर सकती हूं क्योंकि वक्त नहीं मिल पाता कि मैं 30 दिन एक शो को दे दूं।
सो हाँ आना चाहती हूँ टीवी पे वापस, बस ससुराल गेंदा फूल से कोई बेहतर शो मिले तो नहीं थैंक यू आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैं किसी चैलेंज को पूरा करने के लिए कपड़े नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पहन लेता हूँ। पर गुलमोहर ग्रैंड अभी शुरू हुआ है स्टार प्लस पे, और बहुत इज्जत और बहुत प्यार से उन्होंने यहाँ बुलाया है और कहा कि कुछ एक दो अवार्ड दिलवाना चाहते हैं मेरे हाथ से, तो आज वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, अपने नए शो को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टार परिवार का फिर से हिस्सा बनने के लिए मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली कुछ कहने लायक बचा नहीं है, 15 साल से एक चैनल नंबर वन पोजीशन पर है और अनडिस्प्यूटेड है, तो कुछ ना कुछ तो है जो वो बहुत सही कर रहे हैं और कुछ ना कुछ है जो ऑडियंस बहुत पसंद करती है। तो हम तो काम करने वाले कलाकार हैं, हमें जिस प्लेटफॉर्म पर इज्जत मिलती है हम वहाँ काम करने के लिए चले जाते हैं। बट इवेंचुअली ये इस बात को ज़रूर मानना पड़ेगा कि 15 साल से इनकी सक्सेस स्टोरी का कोई पैरेलल नहीं है। सो जो एक चीज़ जो आज मैं उन्हें कहना चाहूँगा वो है कंग्रेचुलेशन। एक ब्लैक सूट है, एक वाइट शर्ट है, शर्ट के कुछ दो बटन खुले हैं, गले में कुछ एक हरे कलर का एक्सेसरी है, उस हरे रंग की एक्सेसरी के साथ एक हरे रंग की एक्सेसरी मेरे पॉकेट में है, और क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने सॉक्स पहनना भूल गया हूँ। तो इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें तो बता दें। शो में शूट करना ही वर्जिश हो जाती है। आई एम श्योर इसको करने के लिए बहुत नमूने आएंगे, आप उनसे करा लीजिए। और कुछ इसे कहते हैं निःशब्द करना। हम स्टार के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, नया हिस्सा। हाँ, ये नए हिस्से हैं और ये दूसरी बार है कि मैं स्टार के साथ एसोसिएट हो रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, 15 साल में स्टार ने जो मुकाम पाया है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि एक ऐसे चैनल के साथ हमारी एसोसिएशन है। एंड क्या बोले, बचपन से बुढ़ापे पे आ गए और स्टार अभी भी नंबर वन पे है, तो अच्छा लग रहा है। जो चीज़ बचपन में देखी थी आज हम उसके अवार्ड शो पे आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड फीलिंग, मज़ा आ रहा है। एक्चुअली नच बलिए में साथ रह के प्यार और ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है कि साथ होके भी हमें अलग अलग रखा जा रहा है, तो कोई चीज़ जब दूर होती है तो ज़्यादा वैल्यू तभी होती है। आई थिंक एक दूसरे की वैल्यू हमें ज़्यादा हो गई है और एक दूसरे को हमने एक अलग सिचुएशन में जाना है, क्योंकि हमने कभी भी सोचा नहीं था कि हम ऐसी सिचुएशन में साथ में होंगे और हमारे ऊपर ऐसा स्ट्रेस होगा। बट मतलब कभी मैं इसको पीठ पर उठा के कभी दौड़ूंगा नहीं तो, और ना ही मैं डोनट खाऊंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ और पता चल रहा है कि हम काफ़ी कंपैटिबल हैं। सो ये जो हमने डिसीजन लिया है शादी करने का, दैट वाज अ गुड डिसीजन। मूंगफली का था, मूंगफली का। आपने देखा? कोशिश पूरी करी हमने, स्टेप्स तो शायद कोई सच मिस नहीं हुआ, नहीं हुआ, बट एक जगह मेरा कॉस्ट्यूम फंस गया, एक जगह ऐसा कॉस्ट्यूम फंस गया, उठ ही नहीं पाई, बट फिर जब उठी तो दो आग लगा दी। हाँ नहीं, माल फंक्शन नहीं, पैर फंक्शन, उसका पैर फंक्शन नहीं कर रहा। भारी तो नहीं थी उतनी, पर थोड़ी भारी थी वो, बहुत ऐसा राउंड लेने पे वो मैं रुक जाती थी, वो घूमती रहती थी, तो वो थोड़ा मुश्किल था। बाकी बहुत मज़ा आया। जितना हम डर रहे थे कि हम बहुत डरेंगे जाके, हंसी गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने मस्ती में डांस किया। मेरी हंसी गायब हो रही थी लेकिन मैंने ऐसा ना कुछ चिपका लिया रही थी अंदर से, दोनों ही डरे हुए थे लेकिन कर रहे थे। पर मैं तो मालूम नहीं था अंदर माहौल कैसा
atmosphere is very positive actually. हाँ सारी परफॉर्मेंसेज में काफी एनर्जी है. इट्स नॉट स्लो. रंगारंग कार्यक्रम अंदर चालू है. हाँ अभी भी चालू है. हर परफॉर्मेंस में एनर्जी है तो वी हैव टू मैच दैट. हम तो थे ही नहीं उसमें जब तो शुरू हुए. अभी तक तो हमारी आई नहीं पाई. नहीं आई अभी तक. लेकिन इनका फिर भी चांस है मेरा नहीं. दोनों का ही चांस है. दोनों का ही नहीं. अभी मतलब ये एक तरह का देसी वेस्टर्न बंग गला है. एंड आई वॉज लकी टू फाइंड इट समवेयर. इट्स अ डिजाइनर बट हाँ मतलब एक तरह का है. ये खुल भी जाता है ऐसे तो और कंफर्टेबल है. इट्स नाइस. प्यारा सा इंडियन गाउन है रेड कलर का. हाँ मैं तो बिना ड्रेस के भी नहीं कर सकता. मैं भी नहीं कर सकता.